हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर करवा चौथ पर थाली लोटा और चलनी सजाना सिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सनील का कपड़ा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं रेड कलर का। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लोटा लिया है और यहाँ पर मैंने फेविकोल लिया है और एक हमने लटकन लिया है और यहाँ पर मैंने पोमपोम वाली लेस और मोती वाली लेस को लिया है और यहाँ पर छलनी ली है और एक थाली ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थाली सजाएंगे। तो थाली में हमें फैब्रिक ग्लू इस तरह से लगा लेना है, फिर हम यहाँ पर इस तरह से इसको फैला लेंगे और यहाँ पर कपड़े को लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें इसको अच्छे से इस तरह से छाप लेना है, इससे हमारा जो कपड़ा है वो थाली में चिपक जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। एक इंच का कपड़ा छोड़ के हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने साइड में भी इसको चिपका लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसको सूखने के लिए रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लोटा लेंगे और इसमें इस तरह से फेविकोल लगा लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैंने फिर से पट्टी को लिया है, इस तरह से पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इसमें चिपका लेंगे। बची हुई पट्टी की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी फेविकोल लगाएंगे और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो नीचे की तरफ हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी फेविकोल लगाकर इस तरह से चिपका लेंगे। तो हमने यहाँ पर लोटा में भी इस तरह से कपड़े को लगा लिया है, इसको भी हमें सूखने के लिए रख देना है। फिर हम यहाँ पर छलनी को लेंगे और यहाँ पर मैंने एक लटकन लिया है तो इसको हमें यहाँ पर बांध देना है अच्छे से। और यहाँ पर भी हमें फेविकोल कुछ इस तरह से लगा लेना है अच्छे से। तो हमने यहाँ पर फेविकोल लगा लिया है और जितनी चौड़ाई हमारी छलनी है उतनी चौड़ाई हमने यहाँ पर पट्टी को लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से हमें पूरी गुलाई में पट्टी को चिपका लेना है। तो हमने यहाँ पर पूरी गुलाई में पट्टी को चिपका लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हमें सूखने के लिए रख देना है। तो पहले हम यहाँ पर थाली सजाएंगे। तो थाली में हमें नीचे की तरफ हमें इस तरह से लेस को चिपका लेना है। पूरी गुलाई में हम यहाँ पर लेस को चिपकाएंगे और लेस अपने पसंद की भी ले सकती हैं। तो इस तरह से हमें लेस चिपका देनी है और यहाँ पर बची हुई लेस की हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी इस तरह से पोम पोम वाली लेस को लगा लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मोती वाली लेस भी लगा सकती हैं, इससे जो हमारी थाली है वो और भी सुंदर लगेगी। और ये वाली लेस हमें 10 रुपये मीटर मिली है मार्केट में। तो हमने यहाँ पर थाली को भी सजा लिया है। अब हम यहाँ पर बीच में इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर सीसा वाले लंग लेंगे और इनको हम कुछ इस तरह से रख के चिपकाएंगे। तो आप लोगों को हम इस तरह से रख के दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने सीसा वाले लंग चिपका लिए हैं। अब हम यहाँ पर छलनी को लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से गिलू लगाकर पोम पोम वाली लेस हम इस तरह से ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से लेस को चिपका लेना है। और यहाँ पर बची हुई लेस की कटिंग करेंगे। तो हमने पूरी गुलाई में पोम पोम वाली लेस को लगा लिया है और नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, जो हमारी मोती वाली लेस है तो इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर भी लेस अपनी पसंद की लगा सकती हैं। तो हमने पूरी गुलाई में नीचे की तरफ लेस को चिपका लिया है
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक गोल वाला नंग चिपका लेंगे। तो हमने पूरे में सीसा वाला नंग चिपका लिया है। अब हम यहाँ पर छोटा वाला लोटा लेंगे और इसमें ऊपर की तरफ पोम पोम वाली लेस को चिपका लेते हैं गुलाई में। तो हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ लेस को चिपका लिया है, तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर मोती वाली लेस को चिपका लेते हैं। तो इसको भी हमें पूरी गुलाई में चिपका लेना है। तो यहाँ पर करवा चौथ के लिए थाली, लोटा और छल्ली हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।